चलिए, तो आई गेस वी ऑल कैन बी स्टार्टिंग नाउ। सुनना जरा ध्यान से, हम लोगों ने कल जो किया था, मोस्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर प्रिंटेड इन योर बुक ऑल्सो। आई एम ट्राइंग टू बी रीडिंग दैट। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स जो अपने चैप्टर का नाम है, वेन एवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉमन मैन्युफैक्चर टू और मोर प्रोडक्ट्स इमर्ज साइमल्टेनियसली सच दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट आउट द प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट, सच प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ओके, ज्वाइंट प्रोसेस। नाउ ये वाला एक टर्म जो है, ओके, आज शायद मेरे को वो बोलना था, कोई भी प्रोसेस से अगर दो प्रोडक्ट्स बाहर आएंगे उसको प्रोसेस के बदले में स्टार्ट टू कॉल दैट थिंग एज अ ज्वाइंट प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वॉट इज पॉइंट ऑफ सेपरेशन? इट्स अ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट ईच प्रोडक्ट गेन्स इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हम लोगों ने कल शायद किया था ज्वाइंट कॉस्ट। इट्स अ कॉमन कॉस्ट इन कर्टल स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इट इज यूजली कैलकुलेटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग इनपुट कॉस्ट भी बोल देते हैं, उसके अलावा योर डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल का आपको जो ट्रू मतलब है ना, वो एक्चुअली बाद वाले चैप्टर्स के ना वो समझ में आएगा, बट दैट्स ऑल फाइन टिल नाउ। लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस और स्क्रैप कॉस्ट ऑफ लॉस, ये भी कल अपना बात मेरे ख्याल से हो गया था। दिस विल स्टार्ट टू गिव यू योर ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, आगे फिफ्थ, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। इट इज एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, दे आर इनकर्ड इंडिविजुअली फॉर ईच प्रोडक्ट। अभी बाय प्रोडक्ट्स का ना कल मैंने तुम लोग को दो ऑप्शन दिया था। मैंने तुम लोग को दो ऑप्शन क्या दिया था, एक बार जरा मेरे को याद तो कराओ। इधर ट्रीट एज ज्वाइंट प्रोडक्ट और ट्रीट एज स्क्रैप। ठीक है, अभी तुमको एक थर्ड ऑप्शन भी दे रहा हूँ, वो कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो वाला चीज कभी एग्जामिनेशन के ना मत करना, लेकिन अगर कभी थ्योरी के अंदर पूछ लें वो लोग, लाइक यू नो दैट व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस फॉर द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, सॉरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स, तब ये वाला जो पॉइंट नंबर सी है वो लिख देना। उससे पहले पॉइंट नंबर ए और बी पढ़ता हूँ। देखो, Whenever during the course of manufacture some ancillary products get produced, such products are treated as byproducts. As per ICA, there are three options to deal with them. इसलिए मैंने ICA का नाम डाला actually. Although for solving the problems, we only follow the first two. Treat as joint products, we do this option. ये आगे वाला चीज अभी के लिए मत पढ़ना, ठीक है? Second, treat as byproducts, ठीक है? थर्ड ये जरा पढ़ लो, इग्नोर फ्रॉम एवरीवेयर एंड क्रेडिट द सेल वैल्यू डायरेक्टली टू द पीएनएल अकाउंट अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस इनकम। अभी कई लोग क्या करता है, ना ही उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट मानता है ना ही उसको स्क्रैप मानता है। ठीक है, सपोज वैक्स निकला, ठीक है, अभी याद रखना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड नो इज दैट रिजिड दैट यू कैन नॉट डू अ सर्टन थिंग। इफ यू हैव अ लॉजिक फॉर दैट यू कैन बी डूइंग इट। तो कई लोग क्या करते हैं, सपोज अपना कल वाला जो एग्जाम्पल था, वैक्स को बेच के अपने को 2,500 रुपये मिला, कल शायद वही वाले नंबर्स थे, अपने को वैक्स बेच के 2,500 रुपया मिला। ठीक है, वो जो 2,500 रुपया मिला ना, मैं उसको जॉइंट कॉस्ट के अंदर से लेस नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। मेरे को बोलो मेरे कल वाले एग्जांपल के अंदर जॉइंट कॉस्ट कितना था? 60,000। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मेरे को ना यहाँ पर वैक्स करके एक बाई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हुआ, मेरे को लगता है छोटा मोटा उससे इनकम 2,500 रुपए का वो आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने कल बोला, अगर आप उसको स्क्रैप की तरह ट्रीट करते हो तो जो भी 5,000 किलो वैक्स बेच के आपको पैसा मिलता है 60,000 के अंदर से लेस कर देना एंड डिवाइड दैट अमंग ए एंड बी। ठीक है, कई लोग ऐसा भी करते हैं, दे इग्नोर बाई प्रोडक्ट फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, तो फिर उसको जो बेचकर पैसा मिलता है वो लोग उसको किधर ट्रांसफर कर देते हैं, दे डायरेक्टली टेक इट टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इट्स अ छोटा मोटा इनकम, दे टेक इट अंडर द हेड ऑफ मिसेलिनियस रेवेन्यू। मिसेलिनियस रेवेन्यू बोले तो छोटे छोटे जो रेवेन्यूज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वैसे भी करने का है तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम्स के लिए मत करना। ओके, फॉर थियरी इट इज ऑल ओके। अगर ऐसा करोगे तो नीदर इट इज ऑप्शन वन नीदर इट इज ऑप्शन टू, लेकिन क्या है, पैसा मिला किधर ना किधर तो लेकर जाना पड़ेगा। हम लोग कल उसको कॉस्ट के अंदर से लेस कर रहे थे, आप उसको सेपरेटली इनकम के अंदर से दिखा देना बस। ओके, आप उसको वो इनकम के अंदर वो दिखा देना, छोटा मोटा इनकम। ओके, सो ऑन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड यू कैन डायरेक्टली बी डूइंग दैट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट रीडिंग द क्वेश्चन विल ओनली टेल यू व्हाट द कंपनी डज।
डू व्हाटएवर द कंपनी डज फॉर बाय प्रोडक्ट्स. बाय प्रोडक्ट्स के लिए ना कोई रूल नहीं है, सम पढ़कर ही पता चलेगा इन दिस पर्टिकुलर केस दैट डू वी ट्रीटेड एज अ जॉइंट प्रोडक्ट और वी ट्रीटेड एज अ स्क्रैप. ठीक है. अच्छा, विच मेथड टू फॉलो. कल मैंने तीन मेथड्स कराए थे, उसका ऑर्डर मैंने यहां पे वो लिखा हुआ. विच मेथड टू यूज. इफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन प्लीज फॉलो द रेलेवेंट मेथड एल्स यू कैन फॉलो दिस मेथड. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसको हम लोग सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं. उसके बाद नेट रियलाइजेबल मेथड, ओके, उसको हम लोग नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं. इन योर चार्ट ऑल द नेम्स आर गिवन टू यू. थर्ड, आउटपुट मेथड, जिसके दो और नाम है, फिजिकल मेजर बेसिस, बिकॉज वी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ओके, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड. मेरे को बोलो हम लोग ये वाला नाम क्यों देते होंगे, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट अपने को सेम मिलता है ना अंडर दिस पर्टिकुलर केस. सो देयरफॉर वी कॉल दैट एज एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड ऑल्सो. ठीक है. सुन, अभी ये वाला जो चीज है मैं तुमको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बोलूंगा, ये वाला चीज मैं तुम लोग को अभी नहीं बोलने वाला हूं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. ओके, वी ऑल आर रीडिंग दिस. ओके, सुन, एक काम करें, आई नो दैट यू ऑल हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. लेकिन ना तुम लोग ये वाला इतना लाइन पढ़ो बस. ठीक है. उन लोगों ने यहां पर तुम लोग को दो मेथड पूछा हुआ है, फिजिकल मेजर बेसिस बोले तो आउटपुट मेथड, ओके, एंड सेल्स वैल्यू बेसिस मतलब सेल्स वैल्यू मेथड. और यहां पर ना किधर जॉइंट कॉस्ट है 2000 रुपए का. ठीक है. ये जॉइंट कॉस्ट को दो बार डिवाइड करना है, वंस बेस्ड अपॉन आउटपुट मेथड एंड वंस बेस्ड अपॉन सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड. तुम लोग ये वाला काम करो, हो जाएगा. रफ के अंदर ही करना या ओरली करो, दैट्स ओके. नेहा वो करेक्ट है. तने करेक्ट है. तने दूसरा वाला भी करेक्ट है. प्रथम करेक्ट है, उज्जवल करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, महक करेक्ट है. मेरे को फाइनल बाइफर्केशन बताओ. रोशन करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, पलक करेक्ट है, साक्षी सेकेंड आंसर भी करेक्ट है, विदुषी करेक्ट है. सभी लोग करेक्ट है, मतलब यू हैव अंडरस्टूड द यस्टरडेज लेक्चर फॉर श्योर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सुनो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. A chemical process produces two products Y and Z. The joint cost of the process are, output is 400 kgs of Y, which is sold at the rate of 6 per kg, and 100 kgs of Z, which is sold at the rate of 8 per kg. Chalo, theek hai, there is no scrap. You are required to apportion the joint cost using output method and sales value method. To chalo, theek hai, start kar lete hain. You all write down, please. Likhiye, question number 1. इंडिविजुअल पार्ट्स ना बेटा लेबल क्या करो इन अ प्रॉपर वे. पार्ट ए राइट डाउन. अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग. नो नोट्स के लिए यू लीव एनी साइड्स, यू डायरेक्टली स्टार्ट अवे विद द सम्स ओनली. ऑल द नोट्स आर गिवन टू यू राइट इन द बिगिनिंग ओनली फॉर दिस चैप्टर. Apportionment of joint cost using. Output method. अच्छा सुनो, output method के अंदर joint cost हमको हमारे दो products के अंदर divide करना है. तो first column products. And our job is to apportion joint cost. That will be our last column. Joint cost apportioned. And in what ratio? Wo beech mein aa jayega. So divided in the ratio of output. So this is Y. This is Z.
जॉइंट कॉस्ट ऑब्वियसली 2000 रुपीज का है, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट जो था इस क्वेश्चन के अंदर 400 और 100 का है, 400, 100, 500 क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर 4:1 दैट मेनी पीपल टोल्ड। तो ये वाला आंसर 1600 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। सेकंड, दूसरा सेल्स वैल्यू बेसिस, अच्छा यहां पे कॉलम्स जो हैं थोड़े से अलग टाइप के बनेंगे बिकॉज वी विल रिक्वायर दैट सेल्स वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन। सुनो, मेरे को सेल्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी सेल्स वैल्यू निकालने के लिए मेरे को यहां पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या दो चीजें? वन इज आउटपुट, वन इज सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, सुनो, अभी आई प्रेफर टू राइट डाउन द वर्ड एज सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और इस क्वेश्चन के ना तुम लोगों को समझ में आएगा नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड की कोई जरूरत भी नहीं है। तुमको समझा क्यों? यस सर, प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि हम लोग आगे प्रोसेस नहीं कर रहे। प्रोडक्ट्स जैसे ही बन जाते हैं हम लोग बेच देते हैं ना मेरे ख्याल से, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल अराइव एट सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वाई, यहां पे आ जाएगा जेड। एक सेकंड के लिए वेट कर लो। दिस इज 400, 100, सेलिंग प्राइस इज 6 and 8, तो ये आ जाएगा 2400 और ये आ जाएगा 800। ओके, तो इस रेशियो के अंदर जॉइंट कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। ये खत्म करो प्लीज। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर 1500 and 500, ये 3:1 हो जाता है, 1500, 500। चलिए सुन, अभी मेरे को इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन बोलो। जॉइंट कॉस्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर जॉइंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेलिंग द गुड्स, दोनों में से क्या करेक्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी अपने को आगे जाके कुछ करने का है। तुम लोग एक बार पार्ट बी पढ़ो खुद ब खुद, उसके बाद में पढ़ता हूँ, बट यू ऑल रीड इट फर्स्ट। सुनो, अभी आउटपुट ऑफ वाई वॉज 400 kgs एंड जेड वॉज 100 kgs। उन लोगों ने क्या बोला? अज्यूमिंग दैट 100 kgs ऑफ वाई एंड 10 kgs ऑफ जेड रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम वाई एंड जेड एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कभी भी प्रॉफिट निकालने का होएगा कॉस्ट शीट बना लेंगे और क्या, बेस्ड ऑन ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। प्रिज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर 100 and 120, whereas S&D overheads were 80 and 130 respectively for the two products. तो आपको क्या करना है? दोनों methods के हिसाब से आपको profit निकालना है, assuming closing stock इतना इतना है जितना सामने अपने को दे के रखा हुआ है। ठीक है, कभी भी profit निकालना है cost sheet बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर you all write down cost sheet for the period बेस्ड ऑन। तो सबसे पहले आ जाएगा आउटपुट मेथड,
अच्छा सुनो, अभी आउटपुट मेथड जो है, बराबर से सुनना सब लोग, बराबर से सुनना सब लोग। देखो मेरा कॉस्ट शीट ना थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा, तुम लोग तब लिखना जब मैं तुमको बोलूं। कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे, वाई जेड और उसके बाद टोटल। देखो तुम्हारा जो रेगुलर कॉस्ट शीट होता है, ये बनाना मत प्लीज, कुछ ऐसे चलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट वो जाने दो, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर WIP स्टॉक नहीं है, दिस विल इटसेल्फ बिकम फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है COP, उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ जाएगा COGS। उसके बाद इन दिस केस एड जनरल एडमिन और साथ में S&D, ठीक है। This will start to give you cost of sales. उसके बाद add profit, get sales. ठीक है, so this is your cost sheet as such. ठीक है, अभी ना अगर तुम लोग भी सोचोगे, तुमको स्ट्राइक होएगा, सर मटीरियल तो दिया ही नहीं सर, लेबर तो दिया ही नहीं सर, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो सुनो मैं क्या बोलता हूं, अगर ये चारों को एड करते हो तो तुम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट ही मिलता है ना हमेशा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्ट्री कॉस्ट इज नथिंग बट योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस चैप्टर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट विल बी माई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसको ना हम लोग डिवाइड करेंगे नॉट बेस्ड अपॉन व्हाट इज द कॉस्ट, वी विल डिवाइड इट बेस्ड अपॉन वेयर द कॉस्ट इज इनकर्ड। इज इट इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट और इज इट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मेरे को जरा बोलो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन ईदर बी इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट और आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले उसका खर्चा होता है उसको हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलता है, प्री इनकॉर्पोरेशन नहीं बोलने का। सुनो सुनो, मेरे को हार्ट अटैक मत दो, ओके वो अकाउंट सुनो। तो इन दिस केस सो इट विल बी या प्री सेपरेशन कॉस्ट, वी कॉल दैट थिंग एज ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। एक जॉइंट कॉस्ट वो हो गया, और जो सेपरेशन पॉइंट के बाद लगता है तो उसको हम लोग कौन सा कॉस्ट बोल देते हैं, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है। तो सुनो, आई ओनली डिवाइड द कॉस्ट बेस्ड अपॉन वेयर इट इज इनकर्ड, आई ओनली डिवाइड इट बेस्ड अपॉन वेयर इट इज इनकर्ड, ठीक है। तो याद रखना, और ये चीज मेरे को बोलो समझ में आया कि नहीं, जॉइंट कॉस्ट के अंदर भी मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, लेस स्क्रैप वैल्यू वगैरह वो सब आएगा, बट ओनली दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और शायद ये वाली कॉस्ट के अंदर भी सारी की सारी कॉस्ट आ सकती है। तुमको समझ में आएगा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद भी ऐसा हो सकता है ना, अगर मैं कल वाला एग्जाम्पल दूं, ए टू सी कन्वर्ट करने के लिए और मटीरियल की जरूरत पड़ सकती है ना, yes, आपको और लेबर वगैरह की। आई गिव यू माइट बी द बेस्ट एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों ने ये वाला चीज देखा ही होगा। तुम लोग अगर HP के पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाओ, ओके, वो लोग एक नॉर्मल पेट्रोल देता है, ठीक है, और वो लोग एक प्रीमियम पेट्रोल भी देता है। yes, वो उसका कुछ नाम भी है, दैट इज जस्ट फॉरगॉट, किसी को याद आए तो। हाँ कौन सा, हाँ पावर, पावर पावर। तो टू कन्वर्ट द नॉर्मल पेट्रोल इन टू द पावर पेट्रोल, ओके, वो लोग शायद कुछ ना कुछ और मटीरियल्स भी एड करता होगा ना वो उसके अंदर, ओके। सो देयरफॉर यू कैन इनकर मटीरियल कॉस्ट ऑल्सो, लेबर कॉस्ट ऑल्सो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस द कॉस्ट बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कॉस्ट, आई एम डिफरेंशिएटिंग द कॉस्ट बेस्ड अपॉन वेयर दे आर इनकर्ड। इफ दे आर इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वी कॉल देम एज जॉइंट कॉस्ट। इफ दे आर इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वी कॉल दोस पर्टिकुलर कॉस्ट एज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अब से ना दिस विल स्टार्ट टू बिकम योर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तुम लोग क्या करो, तुमको ये वाली लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज, जॉइंट कॉस्ट हम लोग अपोर्शन करेंगे बेस्ड अपॉन सम पर्टिकुलर मेथड, ओके। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर ट्राइंग टू बी फॉलोइंग आउटपुट मेथड। तुम लोग पहले ये वाला कॉस्ट शीट बना लो। इस क्वेश्चन के ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो वो वाला चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग इतना बनाओ, मैं अपनी राइटिंग सुधारने का ट्राई करता हूं। तुम लोग इतना ही बनाओ ना पहले, तो इतना ही बनाओ बस।
और नीटली काम करेंगे, लाइंस की इतनी कोई जरूरत वो नहीं है इवन इन एग्जाम, सो डोंट वरी, ठीक है। चलो सुनो, तो सबसे पहले देखो, हम लोग ना ये वाला कॉस्ट शीट बना रहे हैं बेस्ड अपॉन आउटपुट मेथड, ठीक है। तो अपना 2000 रुपीस का यहां पर जॉइंट कॉस्ट था 2000, हम लोगों ने आउटपुट मेथड के हिसाब से इसको डिवाइड किया था, उसका ब्रेकअप था 1600 और 400। अच्छा, सब लोग मेरे को ये वाला चीज जरा बोलना, इस सम के ना बेटा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना है? जीरो। हम लोग प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहे बेटा, सो देयरफॉर दिस इज निल। तो ये आ जाएगा 1600, 400, 2000। सुन, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर था, दैट इज 100 और 120, तो वो यहां पे ऐड करेंगे 100, 120, 220, तो सीओपी विल बी 1700, 520, 2220। अच्छा, इसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दो लाइन जरा छोड़ो तो लिख देना COGS, एड S&D, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट, गेट सेल्स। अच्छा सुनो, हमारा जो फर्स्ट वाला अपना चैप्टर था ना कॉस्ट शीट, वहां पे हम लोग मेरे ख्याल से कॉस्ट शीट जब भी बनाते थे पर यूनिट का कॉलम भी बना लेते थे, अभी मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला, वरना नंबर ऑफ कॉलम्स बिकम वे टू मच, ओके। एंड तुम लोग बाजू वाले पेज पर भी जाओगे, मेरे को वो सब कुछ वो नहीं चाहिए, तो इन सिंगल कॉलम विल फिनिश इट ऑफ, ओके। और कैसे जरा ध्यान से सुनना, मैं वो ही कर रहा हूं जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिखाया था, ठीक है, लेकिन बस सिंगल कॉलम के अंदर जरा याद करो, हम लोग कुछ ऐसे करते थे, ये 1700 आ जाता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका पर यूनिट निकालने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करते थे, वाई का जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो कितना है 400, बट आउट ऑफ 400 हाउ मेनी केजीज आर गोइंग टू बी आवर क्लोजिंग स्टॉक 100। तुमको समझ में आएगा जब मैं 1700 अपॉन 400 करूंगा, दैट विल गिव मी द पर यूनिट फिगर जो आती थी, एंड देन विल मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस दिस विल बी नथिंग बट दिस पर्टिकुलर आंसर। मेरे को बाजू वाला भी बोलो ना एक बार, व्हाट अपॉन व्हाट इनटू व्हाट, बोलो 520 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बेटा, 10 का है, ओके। 10 यू ऑल हैव अंडरस्टूड, नो 10 इज अ क्लोजिंग स्टॉक, सो 90 यूनिट्स आर गुड सोल्ड बेटा, ठीक है। तो ये वाला चीज वो लिख लो, और क्लोजिंग स्टॉक है प्लीज ब्रैकेट के अंदर डालना, ताकि लेस करो ऐड मत करो, ये वाला काम करो। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या ये? हाँ सर, नेटवर्क इशू था बेटा। 1700 इज योर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 400 यूनिट्स, आउट ऑफ दैट 100 इज योर क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो कितना होगा, बस। ओके सर। चलो सुनो, एड S&D, S&D तो क्वेश्चन के अंदर है, 80 और 130, 80, 130, 210, यह आ जाता है 598, यह आ जाता है 1953, 1355।
अच्छा सुनो मेरी बात, देखो उसके बाद सेल्स, प्लीज याद रखना, सब लोग याद रखना, दिस सेल्स इज नॉट सपोज टू बी सेम एज दिस सेल्स. सब लोग मेरे को खुद ब खुद बोलो, ये वाला जो सेल्स है ये क्या है? दिस इज फाइनल सेल्स. ये वाला सेल्स मिलता है क्योंकि तुम लोग कुछ ना कुछ बेचते हो. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड. ये जो इधर निकाला ना, दिस इज ओनली अ मेथड टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट. सबको समझा जो मैं बोला? दिस इज ओनली अ मेथड. हम लोग बस ये वाला चीज निकाल कर, एक मिनट मेरे को बोलो, 2400 निकालने के लिए विच टू थिंग्स यू ऑल हैव मल्टीप्लाइड? आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस. बट ऑब्वियसली तुम लोग सेल्स वैसा नहीं लेके आते हो. तुम लोग सेल्स कैसे लेके आते हो? इट इज क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. नो, तो मेरे को जरा बोलो, वाई का आउटपुट 400 किलो था. आउटपुट तो 400 था, लेकिन मेरे को जरा बोलो बेचा कितना बेटा? 300, क्योंकि 100 का तो क्लोजिंग स्टॉक था. तो यहां पे लिखना 300 सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस तो 6 ही है मेरे ख्याल से. और यहां पे 100 के अंदर से 10 वाज योर क्लोजिंग स्टॉक, तो 90 बेचा एट द रेट ऑफ 8. तो ये आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 2520, तो ये आ जाएगा 567. शायद आप लोग चेक कर लेना 445. कितना है? 445. चलो सुनो, देखो मैंने एक कॉस्ट शीट खत्म कर दिया. अभी एक कॉस्ट शीट तुम लोगों को खत्म करना है. यहां पे लिख के रख लेना सेल्स वैल्यू मेथड. ये वाला अमाउंट? यस सर. बेटा 400 किलो वाई का बनाया था लेकिन 100 नहीं बिका, तो 300 किलो बिका. और जब भी बिकेगा यू विल सेल योर प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 6 ना. तो अभी तो आप एक्चुअल सेल्स लिख रहे हो, तो क्वांटिटी सोल्ड निकाल के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो. वही किया और वहां पे 100 के अंदर से 10 नहीं बिका तो 90 बिका एट द रेट ऑफ 8 रुपीज. अच्छा सुनो, अभी ये वाला काम तुम लोग खत्म कर रहे हो. सुनो, बिल्कुल सेम कॉस्ट शीट ही बनाने का, लेकिन एक मिनट, बिल्कुल सेम मत बनाना. सुनो, फॉर्मेट वाइज वो सेम होएगा, लेकिन मेरे को जरा बोलो तुम्हारे लिए क्या बदल जाएगा? नाउ इट इज सेल्स वैल्यू मेथड, सो व्हाट विल बी चेंजिंग? जॉइंट कॉस्ट. तो ये वाला जो चीज है ना, इधर 1600 और 400 था, लेकिन नीचे 1500 और 500 आएगा. ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा ये वाला चीज चेंज होता है ना, तो तुम्हारा ये भी चेंज हो जाएगा, तुम्हारा ये भी चेंज हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक भी बदल जाएगा. सो इन एंड तुम्हारा यहां पे COGS भी बदल जाएगा, तुम्हारा COS भी बदल जाएगा और प्रॉफिट भी बदल जाएगा. ओके, आप लोग स्टार्ट करो सेम फॉर्मेट, बट नाउ जॉइंट कॉस्ट का जो अपोर्शनमेंट है वो बदल चुका है. आप लोग स्टार्ट करो प्लीज. प्रॉफिट इज 520 एंड 32.
688 no? 1968. कितना आता बेटा 520 उसके बाद 32 सो टोटल विल बी 552 सुन योर दिस वर्क इज कंप्लीटली डन. ठीक है, तुम्हारा जो ये वाला काम है सारा का सारा हो गया. चलिए अभी इस क्वेश्चन के ना शॉर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था. वेन एवर वी आर आस्क्ड प्रॉफिट इन एनी क्वेश्चन प्लीज मेक अ कॉस्ट शीट. इफ मेथड विल चेंज एंड देर इज क्लोजिंग स्टॉक डू रिमेंबर दैट क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो चेंज एंड सो विल द प्रॉफिट. आई थिंक इन आर टू कॉस्ट शीट वी कुड सी दैट ऑल्सो. ओके चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर टू ना इज अ ओनली क्वेश्चन जहां पर मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग और ये वाला चैप्टर लिंकअप करने का ट्राई किया हुआ है. ठीक है, यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग वाला भी थोड़ा सा पार्ट आएगा और ये वाला भी पार्ट आएगा, दैट वी ऑल हैव डन. ठीक है, और इस क्वेश्चन के ना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कॉशीट भी प्रिपेयर होगा, वो वाला कॉशीट वो मैं ही प्रिपेयर करूंगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू. थ्री जॉइंट प्रोडक्ट्स आर produced by passing chemicals through two consecutive processes. Output from process 1 is transferred to process 2, from which the joint products are produced and immediately sold. एक मिनट, products जो हैं process 1 के अंदर नहीं बनते, process 1 से goods पहले process 2 के अंदर जाएंगे और process 2 जब खत्म होगा, okay, तब in that particular case तुम्हारे products emerge होंगे. तो मेरे को जरा सोच समझ के एक बार जरा बोलना, although it doesn't matter, तो even if you will not reply for this, it will not matter only, not matter for exams also, but still just asking. मेरे को बोलो split off point किधर आएगा, point process 1 के end में कि process 2 के end में? Process 2 के end में. Okay, split off point is that, जहां पे आके products gain their individual identity. ठीक है, तो एनी कॉस्ट इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट विल बी नथिंग बट जॉइंट कॉस्ट. ठीक है, आगे द डेटा रिगार्डिंग द प्रोसेसेस फॉर अप्रैल इज गिवन बिलो. डायरेक्ट मटेरियल 2500 केजीज एट द रेट ऑफ 4 पर केजी, डायरेक्ट लेबर उसके बाद ओवरहेड्स उसके बाद नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस आउटपुट 2300 केजीज. ये वाला चीज थोड़ी देर के बाद आई ट्राई टू रीड द डेटा इन अ प्रॉपर वे. There was no opening stock or closing stock in both the processes. ठीक है, and selling price of the output from process 2 was. तो जब goods process 2 से बाहर आ जाते हैं उनका selling prices क्या है? Joint product A, joint product B, joint product C, 24, 18 and 12 required. तुम लोग सिर्फ part 1 मेरे लिए start to end खत्म करोगे. Prepare an account for process 1. Together with any loss or gain account you consider necessary to record month's activities. तो वो लोग क्या बोलता है, सिर्फ process 1 account बना देना together with any gain or loss that you would consider necessary. ठीक है, मैं तुमको कुछ बता ही नहीं रहा हूं except in this case कि तुम लोग को part 1 solve करना है. वहां पर तुम लोग को process 1 account बनाना है, उधर quantity amount 8 लाइंस के लिए, उसके बाद एक नॉर्मल लॉस अकाउंट तुम्हारा 4 लाइंस का. चलो ये एहसान मैं तुम्हारे ऊपर वो कर देता हूं, एबनॉर्मल गेन आएगा इस क्वेश्चन के अंदर फॉर 4 लाइंस. इसके बाद ना तुम लोगों को यहां पर नॉर्मल कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्वेश्चन के ना WIP स्टॉक्स वगैरह प्रोसेस 1 के अंदर नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट की कोई जरूरत ही नहीं है. तो तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट कंप्यूट करके आंसर आ जाएगा. नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट, स्टिल आई एम ओनली स्पीकिंग. डीएम प्लस डीएल प्लस डीई प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. ठीक है, सिर्फ प्रोसेस 1 देखना, तुमको इस डेटा के अलावा
और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है. प्रोसेस टू वगैरह के अंदर क्या होगा, ऑल दो थिंग्स आई विल टेक केयर. ठीक है, तुम्हारे पास इन ऑल 6 मिनट्स हैं, तुमको 3 अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं. 6 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट है, स्टार्ट करो. ये हो गया बेटा सबका? यस सर. चलो सुनो, ऑल द अकाउंट्स आ दे, तुम्हारा जो नॉर्मल कॉस्ट आता है वो 9 रुपीज का आ जाता है. ठीक है, चलिए, तुम्हारा ये वाला जो काम था द रिजॉल्व फिनिश फ्रॉम आर साइड. ओके, लेकिन दिस क्वेश्चन तो ऑनेस्टली आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डूइंग. ताकि मैं तुमको ये वाला चीज सिखा सकूं. दिस वॉज वेरी सिंपल यार. ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग पार्ट टू पढ़ रहे हैं. ठीक है, पार्ट टू ध्यान से पढ़ना. एक सेकेंड, नॉर्मल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इन दिस केस 2500 माइनस 10% मतलब 250. ठीक है, चलो अभी पार्ट टू पढ़ेंगे, सुनो. Calculate the profit attributable to each of the joint products by apportioning the total cost from process 2. आपको profit चाहिए तो cost sheet बनाएंगे फिर. By apportioning the total cost from process 2 according to the weight of the output, बोले तो output method, by market value of production. Market value of production मतलब sales value method और क्या. ठीक है, अच्छा अभी ना तुम लोग क्या करो, ध्यान से ये वाला data देखो और तुमको समझ में आता है कि वैसे भी प्रोसेस टू के अंदर कुछ लॉस है ही नहीं. ये वाला डेटा बराबर से देखना, चेक कर सकते हो, तुम्हारा सेकंड प्रोसेस के अंदर कोई लॉस नहीं है. देर इज नो लॉस एट ऑल, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस से तुम्हारा आउटपुट कितने का था, 2300. दैट विल बिकम इनपुट ओवर हियर. इसलिए उन लोगों ने ना यहां पर मटेरियल नहीं दिया. व्हेन दे डू नॉट गिव मटेरियल, तो ये मत सोचो कि मटेरियल नहीं है बेटा. मटेरियल, मेजर मटेरियल्स विल बी कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस. ओके, शायद अभी और कुछ मटेरियल नहीं ऐड कर रहे. अगर तुमको तुम्हारे एग्जांपल्स याद है, कपड़ा पिछले प्रोसेस से आ जाएगा, शायद बटन्स ना लगता हो. ओके, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट, और ये तुम्हारा जो ओवरहेड्स है. और देखो ये तीनों का टोटल मारोगे ना, 900 प्लस 800 प्लस 600 बेटा टोटल कितना आ जाता है, 2300. सो इन एनी केस देयर इज नो लॉस एज सच. ठीक है, तो सुनो सुनो, एक बार जरा पार्ट टू पढ़ो, ये वाला पार्ट, और मेरे को जरा बोलो, हैव दे आस्क्ड यू टू मेक प्रोसेस टू अकाउंट? नो सर.
नो उन लोगों ने बस क्या बोला है, आप लोग प्रोसेस टू की कॉस्ट को ना अपोर्शन कर देना और प्रॉफिट निकाल लेना, हम लोग बस वही वाला काम करने वाला है, ठीक। अच्छा अगर मैं तुमको एक चीज वैसी बोलूं, देखो तुमको समझ में आता है कि नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस टू विल बी जॉइंट प्रोसेस जिससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। yes. अभी दैट विल बी सम ऑफ थ्री फिगर्स, 20,700 प्लस 6,900 प्लस 6,900, तुमको ये तीनों चीजें समझा। अगर मैं कभी प्रोसेस टू अकाउंट यहां पे तुम्हारे लिए बनाऊंगा, जो तुमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक तो सबसे पहले पी वन से कितना यूनिट्स आ जाएगा बेटा, 2,300, उसका वैल्यू विल बी 20,700। फिर उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट लेबर ऐड होएगा, इस प्रोसेस के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाएगा। अब जरा सोचो इस क्वेश्चन के अंदर और कोई लॉसेस वगैरह तो कुछ भी नहीं है, दैट यू ऑल ऑल्सो नो, दिस टोटल विल बी नथिंग बट योर जॉइंट कॉस्ट, और यही वाली जॉइंट कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे अमंग माई थ्री प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी और फिनिश गुड्स सी। तुमको समझा ये वाला चीज? प्रोसेस टू के बाद और कुछ कैलकुलेशन तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इन एनी केस प्रोडक्ट्स विल बी मेड यार, ओके। तो बस ये तीनों का टोटल विल बी रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट माई जॉइंट कॉस्ट, और यही वाला जॉइंट कॉस्ट मेरे को यहां पे डिवाइड करने का है, वंस बेस्ड अपॉन आउटपुट मेथड, वंस बेस्ड अपॉन सेल्स वैल्यू मेथड, ओके। तो सबसे पहले ना हम लोग ये वाला कॉस्ट निकाल रहे हैं, इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन, लिखो पार्ट बी, पार्ट टू है कि पार्ट बी है, एक सेकेंड, पार्ट टू लिखो, जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू 20,700 प्लस 6,900 प्लस 6,900 34,500। यहां पे ब्रैकेट में लिखना लिखने का है तो लिख देना, टोटल कॉस्ट ऑफ पी टू प्रोसेस टू, प्रोसेस टू, ठीक है। अभी अपने को प्रॉफिट चाहिए ना, तो यहां पे लिख देना कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन सबसे पहले आउटपुट मेथड, ठीक है। अच्छा मेरे तीन प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। अभी ये वाला कॉस्ट शीट तुम लोग मत बनाना, बिकॉज दिस विल बी द बिगेस्ट कॉस्ट शीट यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, तो तुमको जगह वो पता चलनी चाहिए। सुनो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन। इन आर फर्स्ट क्वेश्चन वी लर्न नो हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट, सो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन। अच्छा मेरे को अभी सोच समझ के जरा बोलना, प्रोसेस टू के बाद डू दे गेट फर्दर प्रोसेस? No. तो मतलब इस सम के ना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं आएगा, तो मैं नहीं लिखता फिर वो, ठीक है यार मैं क्यों लिखूं, ओके फैक्ट्री कॉस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर जरा ढूंढ मारो एक बार, उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया क्या किधर भी? No, नहीं दिया, no, तो जाने दो, तो दिस विल बिकम सीओपी ऑल्सो। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सम के ना जरा देखो, सम तुम्हारे सामने ही है जो भी तुमको चाहिए, इस सम के ना स्टॉक्स हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वगैरह कुछ है क्या? नहीं, तो यही चीज तुम्हारा सीओ जी एस बी बन जाएगा, ठीक है। इस सम के अंदर एस एन डी है क्या? एस एन डी, एस एन डी नहीं है, तो ये तुम्हारा सीओ एस बी बन जाएगा, ठीक है। सुनो, तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन, ठीक है, उसके बाद एड प्रॉफिट, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू सेल्स, ये तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा कौशी, ठीक है। ये हो गया, अभी वो लिखने के लिए टाइम जाएगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सुनो मेरी बात, अभी अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, मेरे को बोलो जॉइंट कॉस्ट कितना है, पहले मेरे को बोलो मैं जॉइंट कॉस्ट इधर कितना लिखूं, 34,500। सोच के बोलना, मेरे को तुम लोगों से आंसर्स नहीं चाहिए, कुछ नंबर्स चाहिए जो स्क्रीन पर किधर ना किधर रेडीमेडली हैं। मेरे को जरा बोलो, अगर मैं जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट मेथड के हिसाब से डिवाइड करूं, मतलब मैं 34,500 को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करूं? 9:8:6, दैट इज आउटपुट रेशो, और क्या। तो मैं यहां पे आई एम राइटिंग ओवर हियर,
दिस इज 9:8:6. तुम लोग एक मिनट के बात करना प्लीज. ओके जस्ट वेट. तो 34,500 को इस रेशो के ना बांट लेना, ठीक है. उसके बाद सेल्स मेरे को चाहिए. सब लोगों को एक चीज समझ में आता है इस क्वेश्चन के अंदर, आउटपुट इज इट्स सेल्फ क्वांटिटी सोल्ड. यस सर. मेरे को बोलो क्यों. क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया. क्योंकि स्टॉक नहीं है. ओके. इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज 900 इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 24. फिर उसके बाद दिस विल बी 800 into 18, और उसके बाद लास्ट वाला इज गोइंग टू बी 600 into 12. ठीक है, एक मिनट के लिए वो वेट कर लो. आई विल गिव यू ऑल टाइम टू बी सॉल्विंग. ठीक है, मैं जब कैलसी के ऊपर ये तीनों चीजें एक बार सॉल्व कर रहा हूं, तो दिस इज 21,600, दिस इज 14,400, 7,200, दिस इज 43,200. प्रॉफिट्स विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर. शायद किधर लॉस भी आए, ठीक है, शायद किधर लॉस भी आए. नाउ माई मेजर कंसर्न वॉज नॉट दिस. मेरे को ये चीज भी मालूम था, इफ आई विल नॉट सॉल्व इट फॉर यू, इन एनी केस यू विल बी एबल टू सॉल्व ओनली. लेकिन जब हम लोग दूसरा मेथड वो करने वाला है ना, दिस इज सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना जरा प्लीज. जब आप सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट करोगे ना, देखो तुम लोग को एक चीज समझ में आती है कि नहीं. अभी भी चलना या रबर. हाँ सुनो, इन दिस केस नो, अभी बराबर से सुनना जरा प्लीज. इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. यही चीज तेरा सेल्स है, यही चीज तेरा सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट है. ऐसा क्यों? क्योंकि सम के अंदर क्या नहीं है? स्टॉक्स. तो जितना भी आउटपुट है सारा का सारा ही बिक गया ना. तो दिस फिगर इज सेल्स एज वेल एज दिस फिगर इज सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो आपको 34,500, सब लोग मेरे को अभी अपने मुंह से बोलना, मेरे को जरा बोलो 34,500 यू विल डिवाइड इन व्हाट रेशियो. 21,600 is to this. अगर इसको थोड़ा सा मेरे को किसी के लिए सिंप्लीफाई करके तो वो देना है, दिस विल बी 3:2:1. ओके, कैलसी के ऊपर वो देख लेना, ये वाला रेशो जो आता है 3:2:1 ही आता है. ठीक है, ये वाला भी चीज सॉल्व करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो निकाल लेना. आप लोग स्टार्ट करो, खत्म करो प्लीज. हमको भी लिखना है जॉइंट कॉस्ट. वो तुम्हारी मर्जी है, तो एक बार लिख दो, सेकंड टाइम मत लिखना. टोटल तुम्हारा 8,700 वो होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर. बस अपना जो टोटल है चेक कर लेना, ये करेक्ट है तो फिर बाकी सब कुछ करेक्ट ही हो जाएगा. कुशाल करेक्ट है वो. दोनों मेथड से बेटा लोग खत्म कर लो. वीरल करेक्ट है वो. सर जिसमें लॉस आ रहा है वो ब्रैकेट में लिखते हैं ना. हाँ जी.
एक मिनट दे रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज खत्म करो। चलो सुन, योर दिस जॉब इज डन, ठीक है। अभी आगे चल पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सुनो, इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर बहुत छोटा सा यहाँ पे चीज ही है। इन दिस प्रॉब्लम सेल्स फॉर द पीरियड एंड सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेम बिकॉज एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए प्लीज। अच्छा, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैंने कल भी बोला था, जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करने के लिए कोई रूल नहीं है कि आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड फॉलो करने का है कर सकते हो। वी यूजली से गिवन अ चॉइस सेल्स वैल्यू मेथड देन नोशनल सेल्स या फिर आउटपुट मेथड। लेकिन अगर सम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं फॉलो देम, तब हम लोग कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो शायद इस क्वेश्चन के अंदर वैसा ही होगा। पढ़ी, द यील्ड ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस इज 80% as to the main product, 15% as to the by-product and 5% is process loss. First time, एक तो shorts मत पढ़ना, okay? First time इस question के अंदर ना term by-product has come, ठीक है? अभी अगर by-product term has come ना, तो obviously by-product के लिए दो options होते हैं, okay? By-product के लिए दो options होते हैं, either treated as joint product or treated as scrap, ठीक है? वो देख लेंगे कि क्या करेंगे। The material put into the process is 5,000 units. Cost 23.75 and all other charges are 14,250. Of which power cost accounted for 33.13%. चलो ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, एक material cost है 5,000 किलो अंदर डाला, उसका rate दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे cost 14,250 है, उसके अंदर से 33.13% बोले तो 1/3 of a fraction इस पावर कॉस्ट। इट इज असर्टेन दैट पावर कॉस्ट इज चार्जेबल एज टू द मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ 10:9। चलो ठीक है, तो उन लोगों ने ना पावर कॉस्ट को कैसे डिवाइड करने का है अमंग जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब अमंग द मेन प्रोडक्ट एंड अमंग द बाय प्रोडक्ट, वो दिया हुआ 10:9। ड्रॉ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। मेरे को सोच के बोलना, शॉर्ट्स मत देखना, अगर देख लिया तो फिर आंसर मत देना, ओके। अभी बाय प्रोडक्ट आया, जब बाय प्रोडक्ट आया तो मेरे को तुम लोगों से पूछना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर बाय प्रोडक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज जॉइंट प्रोडक्ट और स्क्रैप, दोनों में से एक चीज बोलना, जॉइंट प्रोडक्ट। मैं तुमको एक रीजन वो बोल देता हूं एंड दैट इज बाप ऑफ एवरी अदर रीजन। सम का रिक्वायर्ड पार्टी देख लो, यू हैव टू ड्रॉ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। अगर आपको बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट ही निकालना है, मतलब बाय प्रोडक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज जॉइंट प्रोडक्ट, नो, क्योंकि अगर आप उसको स्क्रैप मानते हो फिर तो उसका कॉस्ट भी नहीं निकलता। ओके, एक सेकेंड, तुमको ये वाला लाइन समझा जो मैंने तुमको बोला? अगर सपोज मैं कल को, जो मेरा कल वाला एग्जाम्पल था, ए है, बी है और सी है, अगर मैं सी को स्क्रैप मानेगा, अगर मैं सी को स्क्रैप मानता हूं मेरे दिमाग के अंदर, तो फिर मैं सी का स्क्रैप वैल्यू जॉइंट कॉस्ट से लेस करके, मेरे को जरा बोलो, उसके बाद मैं जॉइंट कॉस्ट को नेट जॉइंट कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद नेट जॉइंट कॉस्ट को किसके अगेंस्ट में डिवाइड करूंगा, ए और बी। तब तो सी को वैसे भी कोई स्क्रैप, सॉरी, तब तो सी को वैसे भी कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा ना,
क्योंकि कॉस सिर्फ किसको मिलता है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और तुम्हारे प्रोडक्ट्स का जो नाम है इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज ए एंड बी. इफ सी इज एवर ट्रीटेड एज स्क्रैप इट विल नॉट एवर गेट कंटिन्यू cost. It will never ever get any proportion of joint cost, no? क्योंकि it is being treated as scrap. ये समझ में आता है सब लोगों को? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये वाला जो चीज है ना, I'm going to be treating by product as scrap. This was a major thing that was there. Okay. अभी ये चीज मैंने shorts के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूँ. मैं अभी ये वाला चीज वो नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? Draw statement showing the cost of the byproduct. तो पहले एक काम जरा वो कर लेते हैं. तो अपने को joint cost का एक हिस्सा byproduct को भी देना है. तो बेटा सबसे पहले तू जॉइंट कॉस्ट तो निकाल ले. कैलसी लो, मेरे को जॉइंट कॉस्ट निकाल के दो. बहुत इजी है इस क्वेश्चन के अंदर. जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट तो बाद की बात है, पहले जॉइंट कॉस्ट निकालना तो पड़ेगा. बराबर है. सुनो, मटेरियल लगा 5000 इंटू 23.75 का, ठीक है? वो आ जाता है 118,750 मेरे कैलसी पे, प्लस 14,250 इंक्लूड्स दैट पावर कॉस्ट आल्सो 133. तो सबसे पहले बेटा पहले जॉइंट कॉस्ट तो निकाल ले. अपोर्शन तो किसको करेगा जब तक तेरे पास जॉइंट कॉस्ट ही नहीं होने वाला, ठीक है? तो यहां पे लेट्स स्टार्ट टू बी कंप्यूटिंग जॉइंट कॉस्ट फर्स्ट, ठीक है? अपनी नोटबुक्स के अंदर वो लिखो जरा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. I'll write down over here only. That's okay. Calculation of joint cost. तो सबसे पहले material 5000 into 23.75 118750. एड, सुनो मैं ना यहां पे पावर कॉस्ट अलग से लिख रहा हूं. 14,250 इंटू 1/3. 33 1/3% इज 1/3 ऑफ अ फ्रैक्शन. ठीक है, आई एम राइटिंग प्लस अदर कॉस्ट. That will be 14,250 into 2/3. 1/3 इधर चला गया, तो 2/3 इधर चला जाएगा. 9,500. 133,000. सुनो, इसके बाद ना एक और लाइन छोड़ना, दो और लाइन छोड़ना इन ऑल. तुमको थोड़ी देर में स्ट्राइक होएगा कि मैंने क्यों बोला कि लाइन छोड़ो. अच्छा, पहले मेरे को एक चीज जरा बोलो, अगर तुम लोग 100 यूनिट अंदर डालता है तो बाहर कितना आता है? अगर तुम लोग 100 यूनिट अंदर डाल रहे इस क्वेश्चन के अंदर तो आउटपुट कितना आता है? 95 आता है, क्योंकि 80 इज आल्सो योर आउटपुट, एंड बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो भी बाहर आ रहा है वो भी तुम्हारा आउटपुट ही है. मैं ना यहां पर आई एम ट्राइंग टू बी कैलकुलेटिंग माई आउटपुट प्रॉपरली, क्योंकि जो तुमने और मैंने बोला वो तो 100 के हिसाब से था, लेकिन इन रियालिटी कितना इनपुट अंदर गया था? 5000. तो यहां पर आप लोग लिख के रखना कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट. अच्छा, इनपुट 100 लेस लॉस 5, एक लाइन छोड़ देना, आउटपुट ऑफ मेन प्रोडक्ट, और उसके बाद आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट. तो ये 80 है, ये 15 है. अच्छा सुनो मेरी बात, यहां पे 95 भी लिखी दो और यहां पे लिख देना आउटपुट. अभी क्या करो, इन रियलिटी ये जो 100 है ना इस क्वेश्चन के अंदर वो कितने यूनिट्स हैं? 5000. तो 5000 के हिसाब से तो सब कुछ लिखो अभी.
तो ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 4750, ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 750. अच्छा, मैं तुमको एक लाइन बोलता हूं, आई डोंट नो यू ऑल विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ द मीनिंग ऑफ दैट ऑर नॉट, बट देन इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट इज गुड इनफ. कॉस्ट ऑलवेज हैज टू बी डिवाइडेड अमंग आउटपुट एंड नॉट अगेंस्ट लॉस. सारे के सारे कॉस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को चार्ज होते हैं. वो जो 5 है ना, या फिर वो जो 250 है ना बेटा, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो तो लॉस है. प्रोडक्ट एक 80 है, प्रोडक्ट एक 15 है. ओके, ये तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है. तो अब अपने नोटबुक्स के अंदर नेक्स्ट चीज जरा लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एक यहां पे मेन प्रोडक्ट, एक यहां पर बाय प्रोडक्ट और एक इधर टोटल. अच्छा सुनो 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 सुनो, मेरे को जरा बोलो तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट कितना था? 1,33,000. लेकिन मेरे को तुम लोग एक और चीज जरा बोलो, हम लोगों ने कल ही किया था, आज भी रिकैप किया बेटा, जॉइंट कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. आगे कुछ और भी बोलो, लेस स्क्रैप वैल्यू. ये जो 250 यूनिट है, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को? No, नहीं ना. अगर दिया होता मैंने 1,33,000 के अंदर से लेस किया रहता, लेकिन मेरे को मालूम है तुम लोग को भूल जाएगा. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ 250 यूनिट्स. दिस इज निल, सो इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन, इन सम अदर क्वेश्चन इट माइट मैटर. अच्छा सुनो, अभी बराबर से सुनो मैं क्या बोलता हूं. देखो, बराबर से सुनना मैं क्या बोलता हूं. देखो, अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 1,33,000 का अपना जॉइंट कॉस्ट है, डिवाइड करने का है अमंग मेन प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट. मैं हमेशा ना सम के ना इंस्ट्रक्शंस का वेट करता हूं. क्या सम ने कुछ बोला डिवाइड कैसे करो? चलो सामने एक चीज तो बोला ना, पावर कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड अप इन व्हाट रेशियो यार, 10:9. तो पावर कॉस्ट 4750 था, तो इधर आप लिख के रखो पावर कॉस्ट 10:9 और वो 4750 था. 10:9 के ना डिवाइड करो, टू फाइव जीरो. अच्छा सुन, अभी बैलेंस कॉस्ट भी तो बच गई. अच्छा बैलेंस कॉस्ट कितनी बच गई बेटा? 1,33,000 वॉज माई फाइनल नेट जॉइंट कॉस्ट. इट वॉज द कॉस्ट जिसको अपने को डिवाइड करने का था. उसके अंदर से 4750 का इलाज हो चुका है. तो 1,33,000 माइनस 4750, ये बच गया 128,250. इधर लिख के रखो 128,250. अभी तुम लोग मेरे को खुद ब खुद बोलना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है. सम के अंदर ये वाला जो कॉस्ट आया 128,250, इसके लिए बोला हुआ है क्या हाउ टू डिवाइड दिस कॉस्ट? देखो सम के अंदर कुछ भी बोला हुआ है क्या? उन लोगों ने पावर कॉस्ट के लिए बोला था, मैंने वो वाला काम तो कर दिया, लेकिन उन लोगों ने ये कॉस्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोला. अगर ये कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, अगर सम कुछ नहीं बोलता, आई ट्राई टू थिंक ऑफ माई मेथड्स. सोचना, आई एम गोइंग इन ऑर्डर. मेरे को बोलो व्हाट इज योर हॉट फेवरेट मेथड? सेल्स
सेल वैल्यू मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना सेल्स वैल्यू मेथड अगर मैं तुमको बोलूं फॉलो करो कर भी पाओगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं कर पाओगे सर? सेलिंग प्राइस सेल्स वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कैसे वो मेथड फॉलो करेगा? मारो बोलिए आगे। सेकंड मेरे को बोलो नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड फॉलो कर पाएगा ना? नो सर। नहीं बेटा नोशनल सेल्स के लिए भी पहले सेल्स तो चाहिए ना तेरे को। ओके तेरे को फाइनल सेल्स तो चाहिए ना बॉस। ओके वो भी नहीं है तो मेरे को बोलो मजबूरी का नाम विच मेथड? आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड यहां पे मेरे दो प्रोडक्ट्स का जो आउटपुट है ना दैट इज हाउ मच बेटा 4000:750। तो यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा इन रेशो ऑफ 4000:750 या इन ये वाला ब्रैकेट मत डालो 4000:750। ये आ जाएगा 1,08,000 और ये वाला फिगर आ जाएगा 20,250। तो दिस इज जॉइंट कॉस्ट। ये 22,500 आता है एक बार चेक कर लेना। और ये वाला जो फिगर है 110,500 1,33,000। सुनो एक कॉल हमेशा तुम्हारा है हमेशा व्हेनेवर दे से ना ड्रॉ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। आई मेरे को नहीं पता चलता डू दे वांट पर यूनिट कॉस्ट और डू दे वांट टोटल कॉस्ट। तो ऑनेस्टली ये वर्ड से किसी को भी नहीं पता चल सकता कि व्हाट दोज गाइस आर आस्किंग। तो अगर थोड़ा सा टाइम है ना एक्स्ट्रा 10 सेकेंड मेक योर सेल्फ श्योर कंप्यूट ऑल द थिंग्स। जॉइंट कॉस्ट तो मिली गया अपने को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड के अंदर यू कैन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका 4000 यूनिट बना इसका 750 यूनिट्स बना तो दिस विल बी कॉस्ट पर यूनिट या जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट आपको जो भी लिखने का है 110,500 / 4000 60.875 and 22,500 / 750 this will be 30। ये वाली फिगर 60.875 वो नहीं है कोई अभी बच्चा बोला 110,500 / 4000 दिस फिगर इज 27.625 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अभी देखना इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट्स के अंदर क्या क्या है। एज नो अदर मेथड इज पॉसिबल वी फॉलो आउटपुट मेथड। जॉइंट कॉस्ट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग प्रोडक्ट्स एंड नॉट अमंग इनपुट। प्लीज जॉइंट कॉस्ट 5000 यूनिट्स के अंदर डिवाइड नहीं करने का बेटा। 5000 तो मटेरियल अंदर डाला कॉस्ट हैज टू बी गिवन टू द प्रोडक्ट्स। कॉस्ट इज ऑलवेज फाउंड आउट फॉर द प्रोडक्ट्स। इन दिस प्रॉब्लम बाय प्रोडक्ट विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट प्रोडक्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ठीक है चल ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन माइट नॉट बी आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर आई एग्जैक्टली विल नॉट नो एट दिस स्टेज क्या वो रिमेंबर। चलो सुनो तो स्टार्ट करते हैं लेकिन यहां पर ना जो चीजें आएंगी वो क्लासिक चीजें हैं। ओके एक नया मेथड भी आएगा लेकिन मेरे को उस मेथड को ना इंट्रोड्यूस ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको नाम से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है पढ़ेंगे। अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट C15 and M16 फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। The total cost of the common process in June amounted to 8,500. Can I say 8,500 is a common cost? Common cost bole to which cost? Joint cost. Output was 100 kgs of C15 and 150 kgs of M16. Okay. Abhi next line dhyan se padhna, ek ek word dhyan se padhna. Sales during June were 80 kgs of C15 for 7,200. To bolo kya bolta hai ki na C15 ka एक मिनट ये तो आउटपुट था बेटा जो ऊपर वाली लाइन में दिया। अभी उन लोगों ने सेल्स दिया सेल्स ड्यूरिंग जून वर 80 केजीज ऑफ C15 फॉर 7,200 एंड 120 केजीज ऑफ M16 फॉर 9,600। 7200 और 80 को अगर डिवाइड करोगे ना दिस विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस ₹90 पर केजी। मतलब जब मैं C15 बेचता हूं मार्केट के अंदर किस रेट के अंदर बेचता हूं बेटा 90।
और जब मैं M16 बेचता हूं 9600 upon 120, इट विल बी ₹80 पर केजी. ठीक है, देर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक एंड देर वॉज नो स्क्रैप. चलो ठीक है, बोथ द प्रोडक्ट्स हैव टू अंडरगो फॉर द प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी सोल्ड. बोथ द प्रोडक्ट्स हैव टू अंडरगो फॉर द, यहां पे लिखा है बोथ द प्रोडक्ट हैव टू अंडरगो. मेरे को जरा बोलो, इफ टू प्रोडक्ट्स हैव टू अंडरगो फॉर द प्रोसेसिंग, विच मेथड यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो? सेल्स वैल्यू मेथड. क्यों? क्योंकि सेल्स वैल्यू मेथड फॉलो करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है, यू शुड हैव कंटिन्यू सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. लेकिन सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कब मिलेगा तेरे को? व्हेन प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. यहां पे लिख कर दिया है कि प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तुमको समझ में आता है जो मैंने बोला? तो यहां पे सेल्स वैल्यू मेथड तो वो लोग पूछेगा भी नहीं तुमको. ठीक है, आगे. द सेपरेट कॉस्ट रिलेटिंग टू द टोटल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वॉज, अगर तुम्हारे पास बुक है यहां पे सेपरेट वर्ड को अंडरलाइन करना. प्रोडक्ट C15 M16, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल. जनरल मेरे को बोलो, जनरल तो है, COGS के ऊपर आएंगे कि COGS के नीचे आएंगे? नीचे ना, वो SND के साथ आएंगे बेटा. ठीक है, आगे SND ओवरहेड्स. ठीक है, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट यूजिंग, एक बहुत फालतू मेथड है, नाम से ही पता चल जाएगा, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड. अभी ये नाम कभी मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन नाम सुन के या फिर पढ़ के पता चल जाता है. वट एवर इज अ मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उस रेशियो के लिए डिवाइड कर देना. ठीक है, नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड. नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड बोले तो नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड हम लोगों ने कल ही किया यार. ओके, आगे. प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द मंथ यूजिंग द अबव मेथड्स. तो चलो ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं. पहले मेरे को जरा बोलो, इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट कितना है? डिवाइड की तो बात उसके बाद आती है. तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट कितना है? 8500. अपने को इसको डिवाइड करने का है दो बार. मेरे को जरा बोलो, आउटपुट कितना कितना आया? मेरे को केजीज के अंदर बोलना, केजीज के अंदर. 100 kgs and 150 kgs. ठीक है, देख तेरे फर्स्ट मेथड का नाम क्या है. अभी उन लोगों ने जो दिया है मैं बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूं. मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो भी तेरा आउटपुट आता है उसका फाइनल मार्केट वैल्यू कितना है? तो कैन वी से फर्स्ट प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ $90 एंड सेकेंड प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट वॉट रेट? यार ₹80. तो आउटपुट को ये फाइनल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा, मेरे को यहां पर क्या मिल जाएगा? मेरा फाइनल मार्केट वैल्यू. उस रेशियो के ने डिवाइड कर देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू बी डूइंग एज सच. ठीक है, तो लिखे जरा प्लीज, यू ऑल राइट डाउन. पार्ट ए, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट using. ये मेथड का नाम आई एम राइटिंग ओवर हियर, फर्स्ट मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. एक मिनट के लिए वेट करना, सुनो. प्रोडक्ट्स लेंगे C15 M16. आई एम टेकिंग आउटपुट, आउटपुट वॉज 100, आउटपुट वॉज 150. ठीक है, आई एम राइटिंग फाइनल सेलिंग प्राइस. मैं ना फाइनल सेलिंग प्राइस वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि यू ऑल ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर विच सेलिंग प्राइस आई एम रेफरिंग टू. अगर प्रोडक्ट्स इमीजिएटली स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद बिक सकते हैं, हम लोग उस सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ना फाइनल सेलिंग प्राइस विल मीन कि प्रोसेस करने के बाद जब फाइनली बिकेगा तब इतने के अंदर बिकेगा. ठीक, फिर उसके बाद मैं दोनों को मल्टीप्लाई वो कर रहा हूं, दैट विल गिव मी, आई एम राइटिंग फाइनल या सेल्स वैल्यू लिख दो या मार्केट वैल्यू लिख दो, बात वही हो जाती है. ठीक है, और फिर जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो के अंदर अपोर्शन कर देना. आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन. ठीक है,
This is 8500 and this is I guess 90, this is I guess 80. आप लोग काम खत्म करो. ये 9000 आ जाएगा, ये 12000 आ जाएगा, 21000 आ जाएगा. 8500 को इस रेशियो के ने डिवाइड कर देना. मैं राउंड ऑफ करके आई एम राइटिंग, छोटे नंबर्स नहीं लिख रहा हूं. चलो सुन, सेकेंड, मैं ये वाला सारा क्वेश्चन इसी मेथड की वजह से कर रहा हूं. तो यहां पे लिखना नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड. अच्छा एक मिनट, जरा याद करो, हम लोगों ने कल जब ये वाला चीज सीखा फॉर द फर्स्ट टाइम, शायद मैंने तुम लोगों को कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था. मेरा जॉइंट कॉस्ट का खर्चा 60,000 रुपए का होता है, ए और बी बनता है. ए का आउटपुट 10,000, बी का आउटपुट 20,000. ठीक है, ए यहां पर नहीं बिक सकता, मैं उसको आगे प्रोसेस करता हूं. 2000 यूनिट्स आर लॉस्ट, 8000 यूनिट्स बच जाता है, कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ रुपीज 10. तो ये वाला फिगर 80,000 रुपीज था और ए टू सी कन्वर्ट करने का खर्चा 25,000 रुपए का था. मैंने तुम लोग को एक्सप्लेनेशन शायद कुछ ऐसा दिया था, अगर सी बेचता, ये सी है, तो 80,000 रुपीज में बिक जाता. लेकिन अगर सी को बगैर प्रोसेस किए ए की फॉर्म के अंदर ही बेचता तो मेरा, आगे बोलो, मेरा 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता. तो फिर मैं कस्टमर को भी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करता. तो अगर मैं सी को ए की फॉर्म के अंदर बेचता तो कितने का बेच देता? 55,000. ठीक, दिस 55 इज कॉल्ड एज नोशनल सेल्स वैल्यू, यू ऑल नो दैट नाउ. अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग, मतलब 55,000 निकालने के लिए मैंने दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया. कौन सी दो चीजों को? फाइनल सेल्स वैल्यू एंड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. इज दिस ओके? यस. अच्छा, तुमको एक चीज बोलता हूं, शायद तुमको हेल्प करे इन द क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग यू. पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जो यहां पर नहीं लगता लेकिन यहां पर लगता है. तुमको समझा जो मैंने बोला? अगर मैं ए को वैसे ही बेचता तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता ना. तो अगर आप ए को बेचते हो तो 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता. अगर आप सी को बेचते हो, आगे बोलो, तो 25,000 रुपए का खर्चा. सो व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट? इट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज नॉट इनकर्ड एट दिस स्टेज बट विल गेट इनकर्ड इफ यू फाइनली सेल योर प्रोडक्ट. ठीक है, अभी कुछ लिखना मत क्योंकि आई हैव टू आस्क यू ऑल सम क्वेश्चन. ठीक है, सुनो. तो नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? मैं यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट डालेगा. ठीक, तो C15 M16 प्रोडक्ट डालेगा. ठीक, उसके बाद मैं यहां पे लिख देगा फाइनल सेल्स वैल्यू. लक बाय चांस मेरे पास फाइनल सेल्स वैल्यू पिछले पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है. ठीक है, 9,000, 12,000. ठीक है, प्लीज याद रखना जॉइंट कॉस्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वी हैव टू डिवाइड इट अमंग आउटपुट. आउटपुट, क्योंकि कई लोग क्या कर लेता है यहां पर ना, ये वाली फिगर्स के बदले में वो लोग 7,200 और 9,600 लिख लेता है. तुमको समझा? 9,600 और 7,200 गलत है. मेरे को बोलो क्यों गलत है? क्योंकि दोज आर सेल्स फॉर द पीरियड. बेटा आप लोग जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर रहे हो, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यू हैव टू डिवाइड इट अमंग आउटपुट. ओके, तो यू हैव टू टेक सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. अच्छा, फाइनल सेल्स वैल्यू के अंदर से मैं क्या लेस करेगा? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट.
जैसे ही पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लेस कर देगा तो मेरे को नोशनल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा. नोशनल सेल्स वैल्यू बोले तो नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू में था. और फिर उसके बाद जॉइंट कॉस्ट ऑफ 8500 आई विल अपोर्शन इन दिस पर्टिकुलर रेशियो. पहले आप लोग ये वाला फॉर्मेट तो बनाओ, ये वाले कॉलम्स तो बनाओ. चलो अब मेरा भयानक क्वेश्चन, ठीक है सुनो. पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट के अंदर विच कॉस्ट विल कम, ठीक है आंसर मत देना मेरे को. पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मैं तुम लोगों को अभी अभी जानबूझ के एग्जांपल दिया ताकि कोई ये ना बोले कि कल क्या था और वो भूल गया. मैं यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 25,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट करो. 25,000 इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. यहां पर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, क्योंकि यहां पे अपने को तीन कॉस्ट दी हुई हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, एक उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, और एक अपने को एसएनडी दी हुई है. ठीक है आराम से सोच के तुम लोग मेरे को बोलो. सुनो और ना तुम लोग दो मिनट लेना. दो मिनट से पहले आंसर देते हो तो गलती होएगा. दो मिनट से पहले आंसर मत दो, थोड़ा सा सोच लो. एक मेरे को कोई न्यूमेरिक आंसर मत दो. मेरे को बस जो तुम लोगों से जानने का है कि क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा. यू ऑल कैन मैसेज मी नाउ. एट्टी परसेंट जो है वो गलत है. चलो सुनो देखो एक चीज तो डेफिनेटली बोल देता हूं. डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है. क्योंकि मैं तुमको ना एक डायग्राम बना के देखो ये वाला चीज वो बोलता हूं, शायद उसके बाद तुम लोग को समझ में आए. मेरा जॉइंट कॉस्ट 8500 है, C15 M16, इसका 100 केजीज बाहर आया, इसका 150 केजीज बाहर आया. ये दोनों यहां पर नहीं बिक सकता था तो हम लोग C15 को आगे प्रोसेस करेगा और M16 को आगे प्रोसेस करेगा. ठीक ऑब्वियसली आउटपुट 100 ही आ रहा है, आउटपुट 150 आ रहा है. ठीक है जो सम के ने दिया हुआ वो तो क्वांटिटी सोल्ड है. ये बिक रहा है एट व्हाट पर्टिकुलर रेट बॉस? 90 and 80. ठीक है सो देयरफॉर 90 and 80 ये आ जाएगा 9000, ये आ जाएगा तुम्हारा 12000. ठीक है अभी देखो
C15 इस स्टेज पर नहीं बिक सकता, हम लोग उसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं। जब आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो अपना खर्चा हो रहा है ना यार 3200 एंड दिस विल बी 5100, 3200 5100, ठीक है। ये जो 3200 है, ये जो 5100 है, एक बार सब लोग मेरे को बोल ही देना, आई नो व्हाट यू ऑल विल बी सेइंग विल बी करेक्ट ओनली। अगर मैं C15 और M16 को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देता तो मेरे को जरा बोलो क्या मेरा ये रेड वाली फिगर्स का खर्चा होता? नो नो, बिकॉज दीज आर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके, दीज आर इनकर्ड टू फर्दर प्रोसेस इट, ओके। तो पक्की बात है 100% तुम लोग नहीं लिखना। यहां पर 3200 और 5100 तो आएगा ही आएगा, मेरा क्वेश्चन वो था ही नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम था ये दोनों तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तुम लोग भी बोलोगे, ज्यादातर लोगों ने तो बोला। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज सर, एडमिनिस्ट्रेशन और S&D विल दे ऑल्सो बी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और विल दे नॉट बी? अभी एक सेकेंड, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड का बेसिक लॉजिक क्या रहता है? उसका लॉजिक ये होता है, अगर इस स्टेज पर बेचा तो कितना मिलेगा, अगर बगैर प्रोसेस किए यहां पर बेचता तो कितना मिलता। तो मैं क्या कर लूंगा, आई सब्ट्रैक्ट दोस पर्टिकुलर कॉस्ट विच विल नॉट गेट इनकर्ड इफ आई सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तुमको मेरा लैंग्वेज समझा पहले? So I subtract those particular costs which will not get incurred if and if I sell at split off point. तो अभी अपना लड़ाई रह गया सर, जनरल एडमिन एक बाकी है, एक S&D बाकी है, तो चलो ठीक है। तुम लोग मेरे को जनरल एडमिन का एक एग्जाम्पल दे दो, मैं शायद तुमको 100 एग्जाम्पल दे दू, तुम लोग मेरे को एक एग्जाम्पल दे दो ना, कुछ भी ऑफ जनरल एडमिन, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं बोलने का कभी भी, हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैन बी ऑन एनीथिंग। चलो थैंक यू, हाँ ठीक है, थैंक यू। सुनो, मैंने एक जो बीच में सुना, दिस वॉज ऑफिस रेंट, ये ऑफिस के खर्चे हैं ना सारे, ऑफिस रेंट। एक और सुना सैलरी टू अकाउंटेंट, वो बंदा अपने पगार के बारे में सबसे पहले सोचता है, चलो ठीक है। अभी मैं तुमको क्या बोलता हूं, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर आप कोई और एग्जाम्पल अपने दिमाग में बिठा लेना, कंक्लूजन सेम ही रहेगा। जरा सोचो, अगर तुम लोग C15 को यहां पर बेचते हो तो भी अकाउंटेंट को सैलरी तो दोगे ना? Yes, sir. अगर यहां पर बेचेगा तो भी अकाउंटेंट को सैलरी तो देगा कि नहीं? Yes, sir. अगर तू यहां पर बेचेगा तो ऑफिस का रेंट पे करेगा, अगर तू C15 को यहां पर भी बेचेगा, आगे बोल, ऑफिस का रेंट तो पे करेगा ना। सो देयरफॉर दीज आर नॉट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट वो होता है जो इधर लगता है लेकिन इधर नहीं लगता, ओके। तो इन एनी पर्टिकुलर केस दीज कॉस्ट विल बी इनकर्ड। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड का ब्रॉड लॉजिक क्या रहता है, अगर इधर बेचता तो कितने का बेचता, लेकिन बेटा अगर इधर बेचता तो भी तेरे एडमिन के खर्चे तो होते ना, ये थोड़ी है अगर तू इधर बेचता तेरा ऑफिस ही नहीं होता। Is that understood? Yes, sir. Therefore, these are, बोलो. These are not post separation cost. Post separation cost वो होता है जो इधर नहीं लगता लेकिन इधर लगता है, लेकिन ये वाला cost इधर तो लगता ही है, अगर इधर बेचता तो भी तो लगता ना यार मेरे को, ठीक है। चलो थैंक यू। अब मेरे को S&D का सब लोग एक ही एग्जांपल देना, मेरे को मालूम है तुम लोग एक ही एग्जांपल देगा, चलो बोलो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, थैंक यू, ओके। तो सुनो मेरी बात, अभी मैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बोलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा लॉजिक। अगर आप C15 को इधर प्रोसेस करके बेचेगा तो भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, इज दिस फर्स्ट लाइन ओके? अगर इधर भी बेचता, अगर इधर, बेटा इधर भी तो बेचने का ही सवाल है ना, अगर इधर भी बेचता, आगे बोलो ना, तो भी एडवर्टाइजमेंट तो करता, उधर भी तो बेचने का ही सवाल है। ऐसा थोड़ी है कि अगर उधर बेचता तो एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, समझो
समझ में आ गया. सो देयरफॉर ये वाला भी जो कॉस्ट है बाय डिफॉल्ट ये एसआई कॉस्ट है, जो इधर भी लग रहा है और जो इधर भी लगता ही लगता है. यहां पर भी तो बेचने, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है, अगर इधर बिकता तो कितने का बिकता बेटा, इधर भी तो बेचने का ही सवाल चल रहा है. सो देयरफॉर दीज आर ऑल्सो, देयरफॉर एसएनडी इज ऑल्सो, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, नॉट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट के अंदर एक ही कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग. अभी सम पीपल स्टार्ट टू थिंक, सर आपने इतना बोला तो मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं है. पागल, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है ही है, क्योंकि अगर आप इधर बेच रहे हो तो आपका 3200 रुपीज का खर्चा और है, लेकिन अगर आप उसके बदले में इधर बेच देते, आगे बोलो, तो ये खर्चा नहीं होता, क्योंकि आप लोग आगे प्रोसेस नहीं करते ना फिर. तो यहां पर देर इज ओनली वन कॉस्ट दैट क्वालिफाइज एज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो, बस यही चीज यहां पर आएगा और कुछ आएगा ही नहीं. यहां पे लिखो 3200, 5100, सब्ट्रैक्ट कर लेना. को बेटा इस रेशो के ना डिवाइड कर ले. किसको ब्रैकेट में डालूं बेटा? हाँ ठीक है तू डाल दे, इट्स ओके. मैं कॉस्ट शीट नहीं बना रहा हूं ना, सो इट्स ओके. वो सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स ओके. सुनो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने शॉर्ट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है. डू रिमेंबर टू अराइव एट एनआरवी वी सब्ट्रैक्ट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दैट इज दोस कॉस्ट विच विल गेट इनकर्ड व्हेन द गुड्स आर फाइनली सोल्ड बट आर नॉट इनकर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, बस पॉइंट नंबर टू जो है मैं अभी नहीं बोल रहा हूं. ठीक है, तुम लोग क्या करने वाले हो, यहां पर एक नोट जरा लिखो, राइट डाउन लिखो. इवन इफ गुड्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कॉमा, एडमिन एंड एसएनडी विल स्टिल बी इनकर्ड. फुल स्टॉप. देयरफोर दे आर नॉट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. Therefore, they are not post-separation cost. I'll repeat it once. I hope so. I have told this. I exactly don't remember. Even if products are sold at split of point, admin and S&D will still be incurred. Therefore, they are not पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. चलो सुनो, पार्ट बी, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून यूजिंग द अबव मेथड्स. ठीक है, तो प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून. तो अपने को कॉस्ट शीट ही तो चाहिए, तो दो बार काम वो करने का है. तो यू ऑल राइट ऑन कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून. तो दो मेथड्स के हिसाब से दो बार काम करेंगे, C15 M16 टोटल.
सर एक डाउट है सर। बोलना बेटा। सर सब में मेंशन है कि जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे है ग्रुप्स वो सोल्ड ही नहीं हो सकते, तो सर ये लॉजिक नहीं लगेगा कि इनपे ये दोनों को बेटा स्प्लिट ऑफ पॉइंट जब हम लोग बोलते हैं ना वी आर अबाउट टू बी फॉलोइंग नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड ओके दैट इटसेल्फ मींस दैट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बट वी स्टिल ट्राई टू बी थिंकिंग कि सेल्स वैल्यू मेथड इज अ बेस्ट मेथड। तो मैंने कल भी वही बोला था कि मैं एक सपना लेता हूं, दिस मेथड इज अबाउट दैट सपना ओनली। C15 M16 मेरे को मालूम है यहां पे नहीं नहीं बिक सकता। इनफैक्ट मैंने कल जानबूझ के एक लाइन भी बोला था, मेरे को कभी ये मत पूछ लेना सर प्रूफ करो कि नोशनल सेल्स वैल्यू इज अ करेक्ट फिगर। आई कैन नॉट बी प्रूविंग बिकॉज इफ आई हैव टू बी प्रूविंग दैट दिस फिगर इज करेक्ट, एग्जांपल इफ आई एवर हैव टू बी प्रूविंग दैट दिस फिगर इज करेक्ट 5800 आई कैन नॉट बी प्रूविंग बिकॉज द ओनली वे टू प्रूव दैट 582 इज करेक्ट इज दैट तेरे पास C15 का सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट होना चाहिए था। और अगर तेरे पास वो वाला प्राइस कभी होता तो तू कभी नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड के लिए तू जाता ही नहीं ना, यू वुड हैव डायरेक्टली गॉन फॉर द फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। सो यू आर ड्रीमिंग अगर बिकता तो, ठीक है मेरे को मालूम है कि नहीं बिक सकता इसलिए तो नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड आ रहा है। तो आगे पूछ, कुछ और पूछना दो ठीक। चलो तो ये बनाओ जरा। अच्छा कॉस्ट शीट वही बना रहे हैं जो आज सीखा, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन एड, नंबर्स मत डालना प्लीज, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, दिस विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट, यहां पे ना एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है वो जनरल एडमिन है, तो दिस विल बी सीओपी ऑल्सो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद दो लाइन छोड़ देना, दिस विल गिव यू COGS, एड जनरल एडमिन, एड SND, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट, गेट सेल्स। तुम लोग ये वाला कौशल बेटा दो बार वो बना लो, नंबर्स मत डालना। लेकिन दो बार वो बना लो फिर इकट्ठा स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट बस। चलो सुनो मेरी बात, देखो जॉइंट कॉस्ट अपना 8500 था, दोनों जगह पे यू ऑल कैन बी राइटिंग डाउन 8500। ऊपर वाले दो पार्ट्स के हिसाब से दो बाइफर्केशंस लिखो 3643 और उसके बाद 4857, दिस इज 3882 4618। आगे
पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 3200-5100 3200-5100 8300 टोटल बाद में यू ऑल कैन बी डूइंग इट. सुनो 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 अभी उसके बाद एडमिन एंड एसएनडी वी ऑल आर राइटिंग 600-400,000 एसएनडी वी आर राइटिंग 200-150-350 आगे सेल्स. मेरे को सर आप बोलो सेल्स ऑनेस्टली मेरे को ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं है. मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना सेल्स है क्या हमारे पास. सेल्स डायरेक्टली क्वांटिटी सोल्ड को बेचकर ये होता है ना 7200-9600 16800. मैं बेकार क्वेश्चन पूछता है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं. मेरे को बोलो व्हाई आर दीज फिगर्स रॉन्ग. ये सेल्स क्यों नहीं है. ये नौ बेटा दिस इज सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके नाउ यू आर मेकिंग कॉस्ट शीट टू फाइंड आउट प्रॉफिट. आई विल ऑब्वियसली वांट एक्चुअल सेल्स. ओके सो एक्चुअल सेल्स विल बी क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. ठीक तो ये दोनों नंबर 7200-9600-16800 ठीक चलो. अभी इसके बाद आई कंप्लीट दिस कॉस्ट शीट देन यू कंप्लीट द अदर वन. ठीक है तो 3643+3200-6843 ये 6843 यहां पर भी लिखो. मेरे को जरा बोलो इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं कैलकुलेशन क्या करूं. सोच के बोलना 6843 डिवाइडेड बाय व्हाट इनटू व्हाट. 100 into 20 डिवाइडेड बाय 100 तो दिस विल गिव यू पर यूनिट वाला फिगर इनटू क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स का है. सबको क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स समझा. yes, 100 के अंदर से 80 बेचा था ना तो 20 विल बी क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है तो 6843 ये आ जाता है 1369 ले लेता हूं 5474 एक मिनट मैंने कुछ गलत लिखा है 6843-5474 बराबर है +800-6274-7200-926 4857+5100-9957-9957 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 30 है ना शायद. हाँ 1991 दे लेता हूँ 796 1191 है सॉरी नहीं यार तो 199 राइट है क्या यार. +7966 ले लेता हूँ +550-8516-9600-1084 ठीक है टोटल तुम लोग मार लो. और एग्जैक्टली ऐसे ही तुम लोग दूसरा वाला खत्म कर लो लेकिन उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा पूछना है. ये तो काम खत्म कर लो.
वाले का 1443। प्रॉफिट कितना आता है बेटा टोटल? टोटल मतलब C15 का प्रॉफिट 1443। फर्स्ट वाले का प्रॉफिट 1443 इज करेक्ट क्या? 734 नो 734 बराबर 4618 प्लस 5100 इनटू प्लस 550 माइनस 9000 1276 ना? यस सर। दिस इज 2010। ये लक बाय चांस है दैट बोथ ऑफ देम हैव कम सेम। कुछ कंक्लूजन मत निकालना। अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो अलग अलग ही आए थे। अच्छा सुनो, मेरा जो तुम लोग को क्वेश्चन था ना वो कुछ ऐसे था। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर एक और लाइन दिया रहता, सोचना जरा साक्षी, दीज आंसर्स आर करेक्ट बेटा, जो स्क्रीन पर है दोज आंसर्स आर करेक्ट। सुनो मैं तुम लोग को क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन दिया रहता एंड दैट एक्स्ट्रा लाइन वॉज इफ C15 एंड M16 वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट S&D विल नॉट गेट इनकर्ड। ठीक है, सपोज एक ऐसा लाइन होता क्वेश्चन के अंदर, S&D विल नॉट गेट इनकर्ड। ओके, अगर एक ऐसा लाइन होता कि S&D विल नॉट गेट इनकर्ड, तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे आंसर के अंदर क्या क्या चेंज आता। मेरे ख्याल से तुम्हारा ये वाला पार्ट तो सेम ही रहता, यहां पे तो किधर भी कुछ फर्क नहीं होता, करेक्ट नो? यस सर। ठीक है, मेरे को जरा बोलो, अगर वो वाला लाइन होता तो यहां पर कुछ चेंज आता क्या? नो। ऑब्वियसली यहां पे फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट के अंदर S&D भी आ जाता ना बेटा। सम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर सम ने ही दे दिया कि अगर तूने C15 और M16 को स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर बेचा तो S&D नहीं लगेगा। अगर ऐसा लाइन ही क्वेश्चन के अंदर आ गया मतलब तो डायरेक्टली इट इज गिवन, इट इज नॉट, तो डायरेक्टली इट इज गिवन ओनली, इट इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तुमको समझा जो मैं बोला? ओके ठीक है। अगर सम के अंदर मेरा क्वेश्चन अभी तक वो बाकी है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, जो मेरे को पूछना है वो इसके बाद आएगा। अगर सम के अंदर ये वाला लाइन होता कि अगर C15 M16 को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दिया तो S&D का खर्चा नहीं होगा, ऐसा एक लाइन ही प्रिंटेड होता, तो फिर तो पक्की बात है S&D इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नो? ठीक है, तो अब मेरे को जरा बोलो, फिर जब तुम लोग कॉस्ट शीट बनाते, ठीक है, एक तो तुम्हारा अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट विल चेंज बिकॉज योर नंबर्स इन द फर्स्ट स्टेटमेंट विल चेंज नो? बेटा फिर यहां पर S&D भी इंक्लूड हो जाता तो ये दोनों नंबर्स बदल जाते ना, तो बाइफर्केशन भी बदल जाता ना फिर। ओके तो मेरा एक मिनट, तुम सब लोग मेरे साथ हो अभी तक? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मैं अब क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। अगर S&D पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट होता, इसे सम के अंदर ही दिया रहता अगर वो वाला लाइन होता, तो फिर यहां पे 3200 के अंदर मैं S&D भी इंक्लूड करता बेटा, 200 और 150, फिर नोशनल सेल्स वैल्यू बदल जाता, मतलब जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन भी बदल जाता, ऑल परफेक्ट। ठीक है, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। फिर उसके बाद मेरे को जरा बोलो, जब ये वाला कॉस्ट शीट बनता, एक तो जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन बदल जाता, मेरे को बोलो और क्या बदल जाता? S&D ऊपर, ऐसा पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं करना पागल लोग, ऐसा पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं करना।
याद रखना दिस इज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बॉस. वेदर एस एन डी इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, वेदर एस एन डी इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और नॉट वो अलग कहानी है. बट हाउ कैन एस एन डी एवर 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 कम एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट? बेटा फैक्ट्री कॉस्ट स्टिल अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके अंदर एस एन डी का खर्चा तो नहीं आ सकता ना. एस एन डी इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और नॉट, ऑल दोज थिंग्स यू कैन स्टार्ट टू थिंक जब आप ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हो. लेकिन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अंदर हाउ कैन एस एन डी एवर कम ओवर हियर? एस एन डी तो हमेशा जिंदगी में अपनी जगह पर ही आएगा. तुमको समझ में आता है वाला चीज? तो यहां पर घोंचू लोग वही वाले कॉस्ट इंक्लूड करना विच आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. बेटा दीज आर फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री. नो वो वाली गलती नहीं, वो आज तक ना एक्चुअली इंस्टीट्यूट को भी नहीं मालूम उन लोगों ने, इसलिए ना ताकि ये कॉन्ट्रोवर्सी ना हो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा. ओके लेकिन अगर वो लोग पूछ लेगा ओके तो देन इन दैट केस एस एन डी हमेशा अपनी जगह पर ही आएगा. मैंने वही वाला चीज शायद यहां पे वो लिखा हुआ है, व्हेन कॉस्ट शीट इज बीइंग मेड डू रिमेंबर एडमिन एंड एसएनडी विल कम एट देयर प्लेस ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और नॉट. ओके तो एडमिन एसएनडी को ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मत घुसा देना. ओके तो इन ऑर्डर मतलब इन शॉर्ट टू कंक्लूड नो, यहां पर सिर्फ वही वाली पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आएंगी विच आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. एडमिन और एस एन डी हमेशा अपनी जगह पर नीचे ही आएगा जब आप लोग कॉस्ट शीट बनाओगे, क्योंकि कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट होता है, अपने को उस फॉर्मेट के हिसाब से ही जाना पड़ेगा. इज दैट ओके? ठीक है. एग्जाम्स के अंदर शायद वो ना आए, बट देन माई जॉब टू बी डूइंग ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, चलो विद दिस वी ऑल विल एंड टूडेज लेक्चर. टुमोरो वी विल बी मीटिंग विद न्यू क्वेश्चंस. You